हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट और मैं हूं आपके साथ कृतिका। जब अरहान ने किया रश्मि को प्रपोज तो कुछ यूं था सिद्धार्थ शुक्ला का रिएक्शन। बिग बॉस में एक्टर अरहान खान ने बतौर वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट एंट्री ली है। शो में अरहान के वापस लौटने से रश्मि देसाई की गेम स्ट्रॉन्ग हो गई है। बिग बॉस में दोबारा वापस आते ही अरहान ने रश्मि को प्रपोज भी किया। अरहान ने शो में एंट्री करते ही बिना देर किए रश्मि देसाई को प्रपोज कर दिया है। अरहान और रश्मि की रोमांटिक केमिस्ट्री सोमवार के एपिसोड की सबसे बड़ी हाईलाइट रही। शो में आने के बाद अरहान खान ने खुलासा किया, जब मैं यहाँ से जा रहा था तो गेट खुलने पर रश्मि ने मुझे आई लव यू कहा था, तब मैंने सुना नहीं था। फिर माहिरा ने अरहान को रश्मि देसाई का जवाब देने को कहा। सभी के कहने पर अरहान ने घुटनों पर बैठकर रश्मि को प्रपोज भी किया। अरहान ने कहा, जब मैं यहाँ से गया था और जिस तरह से रश्मि रोई थी दुनिया पिघल गई थी, फिर मेरा तो पिघलना जरूरी था ही। तुम्हारे आई लव यू का जवाब मैंने उस वक्त इसलिए नहीं दिया था क्योंकि तब मैं ऐसे छोड़कर नहीं जाना चाहता था। मैं उस बात का जवाब देने के लिए अंदर आया हूँ। फिर अरहान रश्मि ने एक दूसरे को आई लव यू कहा। जिस दौरान अरहान रश्मि को प्रपोज कर रहे थे, पूरा घर तालियां बजा रहा था, सीटी मार रहा था, कपल के लिए हूटिंग कर रहा था, लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला चुपचाप कॉर्नर वाली सीट पर बैठे नजर आ रहे थे। यकीन नहीं हो रहा तो आप इस तस्वीर को देखिए। रश्मि अरहान के बीच चले प्रपोजल के दौरान सिद्धार्थ शुक्ला का रिएक्शन देखने लायक था। वो एक टक दोनों को देख रहे थे। उनके चेहरे पर ना ही हंसी थी और ना ही कोई गुस्सा। बता दें कि रश्मि सिद्धार्थ ने सीरियल दिल से दिल तक में साथ काम किया था। इस दौरान दोनों के रिलेशन में रहने की खबरें थी। बिग बॉस में दोनों के अफेयर की अक्सर चर्चा रहती है। हर कोई कयास लगाता है कि वो कभी रिलेशन में रहे थे, फिर ऐसा कुछ क्या हुआ कि उनका ब्रेकअप हुआ। दोनों के बीच ऐसी बातें हुई जिसकी वजह से वो एक दूसरे से सीधे मुंह बात नहीं करते, लेकिन लगता है अब जल्दी लोगों को ये मालूम पड़ने वाला है कि सिद्धार्थ रश्मि के बीच का सच क्या है। बीते एपिसोड में अरहान ने रश्मि को शुक्ला के बारे में सच बताने को कहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।